गंगा जी में स्नान करके व्यक्ति पावन होता है, बिल्कुल सत्य बात है। एक संत से किसी ने पूछा, महाराज आप कहते हैं गंगा जी पतित पावन है, गंगा जी क्लेश नाशनी है, गंगा जी निर्मल करने वाली है, गंगा जी भगवान का अनुभव करवाने वाली हैं। बोले हाँ बिल्कुल, जो आपने सुना है वो बिल्कुल ठीक सुना है। बोले मुझको तो 25 साल गंगा नहाते हो गए, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा कि मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ा है, तो आप बताइए। तब उस महात्मा ने कहा ठीक है, मैं आपको उत्तर दूंगा। तब उन महात्मा ने एक बोतल में मूत्र भर लिया उस व्यक्ति के सामने, और फिर उस बोतल को एकदम डांट लगा करके सील बंद कर दिया, और उस व्यक्ति को जो कह रहा था कि गंगा जी पतित पावनी है, मैं 25 साल से नहा रहा हूं, मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, उन महात्मा ने कहा चलो मेरे साथ चलो। गंगा जी के तट पर आए और वो जो मूत्र भरी हुई शीशी थी सील बंद, उसको रस्सी से बांधा और कहा अब इस रस्सी को गंगा जी में छोड़ दो। तो बोतल बंधी थी रस्सी से, गंगा जी में छोड़ दिया और कहा किनारे पर जो वो लोहे का खूंटा लगा है उससे बांध दो। बोले ठीक है। बोले अब एक महीने बाद आएंगे। बोले अच्छा महाराज। महाराज ने कहा एक महीने बाद आओगे तब उत्तर दूंगा। बोले ठीक है। एक महीने बाद उस व्यक्ति को बुलाया चलो। फिर उस व्यक्ति को लेकर के आए गंगा जी के तट पर और कहा अब इस रस्सी को खोलो, और रस्सी के सहारे वो जो एक महीने से गंगा जी के भीतर बोतल पड़ी हुई थी उसको निकाल लो। निकाल लिया। अब महात्मा ने कहा इस बोतल का ढक्कन खोलो। खोल लिया। बोले अब इसका हाथ में लेकर आचमन करो। उस व्यक्ति ने कहा हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं, इस बोतल में तो आपने मेरे सामने मूत्र भरा है और आप इसका आचमन करने के लिए कहते हैं। महात्मा ने कहा मूत्र भरा है तो क्या हो गया, अरे एक महीने से बोतल गंगा जी में पड़ी थी तो अब तो ये जरूर अमृत बन गई होगी। उस व्यक्ति ने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं, अरे ये बोतल बंद थी, बोतल के भीतर जो गंदी वस्तु भर रही थी उसका गंगा जी से स्पर्श नहीं हुआ। एक महीना क्या, एक साल बोतल पड़ी रहे और एक युग पड़ी रहे तो भी कुछ नहीं होने वाला, हो जाता यदि बोतल का आपने ढक्कन खुलवाया होता, तब तो भले वो कितनी गंदी वस्तु हो गंगा जी में बह जाती, गंगा जी पावन कर देती, पर ये ढक्कन सील बंद था बोतल का। आप जिस वस्तु की आचमन करने के लिए कह रहे हैं वह तो मूत्र है, मैं कैसे उसका आचमन कर लूं। महात्मा ने कहा तो एक साल तक गंगा जी में डूबी रही बोतल, कोई लाभ नहीं हुआ। बोले लाभ होता महाराज, पर ढक्कन बंद था ना, उस वस्तु तक तो गंगा जल पहुंचा ही नहीं, उस गलत वस्तु तक। तब महात्मा ने कहा बच्चे यही तेरे प्रश्न का उत्तर है, तुम पूछ रहे थे ना 25 बरस से गंगा जी नहाते हो गए और नाम जपते हो गए और कोई जीवन में लाभ नहीं हुआ, कोई अनुभव नहीं हुआ, तो जैसे एक महीने तक एक साल तक भी मूत्र की भरी हुई बंद बोतल गंगा जी में पड़ी रहे तो भीतर से मूत्र परिवर्तित नहीं हो जाएगा, जो गलत वस्तु है वो गलत ही रहेगी जब तक उसका गंगा जल से स्पर्श नहीं हो जाएगा। ऐसे ही भले गंगा जी स्नान करो, भले ग्रंथ पाठ करो, भले नाम जप करो, इसका अर्थ ये कदापि मत ले लीजिएगा कि बिना मन से साधन नहीं करने हैं, नहीं नहीं करने हैं, अवश्य करने हैं, पर यदि बिना मन से सब कुछ हुआ तो अपराध भले नष्ट हो जाए किसी अंश में, लेकिन जीवन में कभी साधना की सुगंध नहीं आएगी, सुगंध नहीं आएगी। अपितु कई बार उल्टा हो जाता है कि इतने दिन हो गए उतने दिन हो गए, अरे पुराने चावल की तो महक बता देती है कि वो पुराना है, उसको कहना थोड़ी पड़ता है, नया चावल सिद्ध होने रखिए रसोई में तो उसकी सुगंध अलग होगी, और पुराना चावल होगा तो उसकी महक कुछ अलग होगी।
तो हम साधना में, हम इस भजन मार्ग में हमको गुरु दीक्षा लिए बहुत दिन हो गए, यह बात हमारे आचरण से पता चलनी चाहिए, हमारी आंखों से पता चलनी चाहिए, बैठने उठने से पता चलनी चाहिए, भजन के स्वभाव से पता चलनी चाहिए। और ना हमारे स्वभाव में कोई परिवर्तन हुआ, ना सोच में परिवर्तन हुआ। पहले दिन दो माला कर रहे थे, आज 10 साल बाद भी दो ही माला कर रहे हैं। 10 साल पहले भी चित्त उतना ही उद्विग्न था, उतना ही परेशान था, आज भी उतने उद्विग्न उतने ही परेशान है। तो हमको मानना होगा कि कहीं खोट है, या तो जो साधन कर रहे हैं वो उचित नहीं है, और यदि साधन सर्वोपरि है, सनातनी साधन है, गुरु प्रदत्त साधन है, तो जरूर करने वाले में खोट है। शायद बोतल का ढक्कन खोलना भूल गए हैं।